शिक्षा ही नहीं अपितु अच्छे संस्कार बच्चे के चरित्र का निर्माण करते हैं। विगत 25 वर्ष से संस्कारवान शिक्षा देने में सफल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुमाऊं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ डिपो की 7 बसें चुनाव ड्यूटी में भेज दिए जाने से व्यवस्था फिर चरमरा गई है। डिपो में उपलब्ध 58 बसों में से 8 बसें इस समय ऑफ रोड है। 7 बसों को इलेक्शन ड्यूटी में भेजा गया है। मात्र 43 बसें डिपो के पास शेष रह गई है, जिसका असर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। मंगलवार को झूलाघाट से सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए संचालित होने वाली बस को 6:30 बजे ही रुद्रपुर के लिए रवाना कर दिया गया, जिसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चे, कार्यालय आने वाले कर्मचारी और गरीब दिव्यांग यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डिपो के ARM रविशेखर कांपड़ी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद बुधवार से झूलाघाट से दिल्ली और देहरादून के लिए दोनों बसों का संचालन नियमित समय पर किया जाएगा। श्रम करने वाले कम उम्र के युवाओं को भी अब हार्ट अटैक आने लगे हैं। सोमवार को रोजी रोटी कमाने नेपाल के बजांग जिले से पिथौरागढ़ आ रहे 30 वर्षीय मजदूर धन बहादुर की तबीयत मार्ग में अचानक खराब हो गई। झूलाघाट से उन्हें पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर आशु अवस्थी और फिजिशियन डॉक्टर दिनेश धर्मसत्तू ने उनकी जांच की। प्रारंभिक उपचार में कोई फायदा नहीं होने पर उनका ECG कराया गया। जांच में पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। उन्हें तत्काल दिल्ली रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें लेकर दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए हैं, जहां उनका ऑपरेशन होगा। डॉक्टर आशु अवस्थी ने कहा कि गलत खान पान के चलते इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई है। SSB की 55वीं वाहिनी ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र पर स्थित विन्या और बलमरा गांव में पशु चिकित्सा शिविर लगाए। वाहिनी के पशु चिकित्सा कमांडेंट SN सिंह ने 250 से अधिक पशुओं की जांच कर 45 पशुपालकों को दवाएं वितरित की। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों को वैज्ञानिक तौर तरीकों से पशुपालन की बारीकियां भी समझाई। ग्रामीणों ने शिविर लगाने के लिए बल का आभार जताया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एशियन स्कूल की बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया। दल की ओर से 12वीं कक्षा की नमन जोशी, हिमानी जोशी, दीपक सिंह और 10वीं कक्षा के छात्र मृगेश पांडे, आयशा धामी, अंकित कुमार को सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कवि ललित शौर्य ने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह बोरा को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन के सोनम पांडे, किरण प्रसाद, महेश जोशी, दिनेश वाल्मीकि, अमित कश्यप आदि मौजूद रहे। विवेकानंद विद्या मंदिर धारचूला के टॉपर विद्यार्थियों को मंगलवार को जिला पंचायत सदस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने विद्यालय के टॉपर मयंक धामी, युवराज सिंह धामी, दिव्यांशु भट्ट, रोशनी धामी, आदित्य पाठक, आयुष बिष्ट, खुशी बिष्ट, निरुपमा धामी, चंद्र सिंह को प्रशस्ति पत्र और डिक्शनरी भेंट की। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इस अभियान की सराहना की। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।